हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिव मोरा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोडस्टर ब्रांड की, जो मैंने शॉपिंग करी है मिंत्रा से, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। सब कुछ कॉम्बो में लिया एक साथ में, तो अच्छे डिस्काउंट पर मिल गया। और वो मिंत्रा पर पहले सेल लगी थी, तो मैंने सब कुछ सेल में ऑर्डर करा, तो मेरे को काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल गया। वैसे भी रोडस्टर की सारी चीज़ें बजट में रहती हैं हमेशा से, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। आप लेना चाहते हैं तो आप मिंत्रा की साइट से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगेन, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वेट शर्ट से। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोडस्टर की स्वेट शर्ट से। और देख सकते हैं आप, इसका कलर ब्लू है। ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो इसके कॉलर पे आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं वाइट और ब्लैक, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। स्ट्रिप्स इसके आपको बाजू में भी दिख जाती है और नीचे भी दिख जाती है। सामने जो रोडस्टर का लोगो दिख रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें बाकी कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। साइज़ की बात करें, इसका साइज़ एम है और आपको अंदर भी इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये मेड इन इंडिया है, तो अंदर से जो कपड़े की क्वालिटी, ये भी काफ़ी अच्छी। और ये आपको गर्म रखने वाला है और काफ़ी बिल्कुल पतली नहीं है, और आपको विंटर्स में थोड़ा थोड़ा गर्म भी रखेगा। आप अगर इसके अंदर से कोई इनर वगैरह पहन लेते हैं तो आपको सर्दी नहीं लगने वाली है। तो बाकी कलर ऑप्शंस भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये वाला कलर भी काफ़ी अच्छा है, और अगर आपको बाकी कोई कलर पसंद है तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्वेट शर्ट पहन ली और काफ़ी अच्छी लग रही है, और कमाल की है। आप भी ले सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, और भी ज़्यादा कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो हम सेकंड चीज़ लेते हैं, जो कि हमने सेल में ऑर्डर करी और कॉम्बो में ऑर्डर करी, वो कि रोडस्टर की जीन्स। और ये मेरे हाथ में जीन्स रही, बाकी जीन की बात करें तो। और अब हम बात करते हैं रोडस्टर की जीन की। और ये जीन भी आप देख सकते हैं ब्लू कलर में है, और ये भी काफ़ी अच्छी जीन है। और इसका साइज़ की बात करें, इसका साइज़ आपको मिल जाता है 30। सामने आप देख सकते हैं रोडस्टर की ब्रांडिंग, और ये मेड इन बांग्लादेश है, ठीक है। और आपको यहाँ पर भी इसके बटन पर भी ब्रांडिंग मिल जाती है। बैक साइड से मैं आपको जीन दिखा दूँ, तो ये आपको स्ट्रेट फिट जीन्स टाइप में मिल जाती है। ऐसे तो लिखा होता है स्लिम फिट, बट ये स्लिम फिट नहीं है। और थोड़ी बहुत आपको जीन्स स्ट्रेचेबल मिल जाती है। और इस जीन की खास बात क्या, अगर आपको थोड़ी लूज जीन्स पहनने का शौक है, अगर आप लूज जीन लेना चाहते हैं, तो लिवाइस की जीन्स आप देख सकते हैं 3,000, 4,000, 5,000 की मिलती है। बट अगर आपका बजट कम है तो आप रोडस्टर की जीन ले सकते हैं। और ये सब मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हुए हैं, और कुछ दिन यूज़ करने के बाद ही मैं रिव्यू दे रहा हूँ। और यहाँ पे पीछे भी रोडस्टर का जैसे कि लोगो रहता है, दोनों पॉकेट्स में आप देख सकते हैं, साइड पॉकेट्स, और बैक साइड में भी आपको रोडस्टर की ब्रांडिंग मिलती है। और जीन्स जीन की खास बात क्या है, ये बिल्कुल आपको एंकल लेंथ तक आती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लंबी भी नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होती, तो आपको इसको फोल्ड करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इसके नीचे आपको शूज़ या बूट्स पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। हाँ, और इस जीन का एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, इस जीन पर क्या ध्यान रखना है आपने, कि जब भी इसको वॉश करें तो इसका कलर निकल सकता है। तो बाकी कपड़ों के साथ आपने इसको वॉश नहीं करना है, अलग से वॉश कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड वॉश नहीं करना, ठीक है। तो गाइस, जो थर्ड चीज़ है वो भी एक कमाल की जीन्स है रोडस्टर की। और इस जीन की भी हम बात कर लें, तो ये भी आप देख सकते हैं रोडस्टर की जीन, और ये भी काफ़ी अच्छी जीन है। आपको लाइट कलर में मिल जाती है, लाइट फेड में, और ये भी मैंने यूज़ करी हुई है, यूज़ करने का रिव्यू दे रहा हूँ। इसकी भी खास बात ये, इसकी लेंथ बिल्कुल एंकल तक रहती है, थोड़ी सी एंकल से 1-2 इंच लंबी रहेगी, बट आपको इसको फोल्ड करने की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर आप लूज जीन्स ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो ये बिल्कुल सही रहने वाली है आपके लिए। तो इस जीन में भी, ये भी मेड इन बांग्लादेश है, और इसका साइज़ भी 30 है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हो और आपका साइज़ फिट आएगा। यहाँ से थोड़ी सी कटी हुई है, और बैक साइड से दिखाओ तो बैक साइड से सेम आपको इधर रोड का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर भी साइन मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी, अगर आप लाइट कलर की जीन देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो दोनों जीन्स की बात कर लें, एक फेड कलर में है और एक ब्लू कलर में है, और दोनों काफ़ी बढ़िया जीन्स हैं। और दोनों को लाइट वॉश करें, ज़्यादा मशीन वॉश ना करें, तो ये ख़राब हो सकती हैं, इनका कलर निकल सकता है, खास करके इस ब्लू वाली का। तो आप लेना चाहते हैं तो आप दोनों ले सकते हैं। दोनों जीन्स के मटेरियल की बात करें, तो इसमें 99% कॉटन यूज़ करा गया है, दोनों में 99% इसमें, 99% इसमें कॉटन यूज़ करा गया। और भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा, आप बजट वाली जीन्स से आपको ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। तो अगर ये दोनों जीन्स आपको बजट में मिल जाती है तो काफ़ी सही डील रहने वाली है। अगर ज़्यादा महंगी मिल रही हैं तो मत लें, अगर बजट में मिल जाती है तो आप इनके जा सकते हैं, क्योंकि जो इनका मटेरियल है, अगर आपको बजट में मिलती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर आपको महंगी मिलती है तो आप मत लें।
और जो नेक्स्ट चीज है वो की वो है रोडस्टर के अंडरवेयर का कॉम्बो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको रोडस्टर के कॉम्बो मिल जाता है अंडरवेयर का, और इसमें एक रेड कलर का, एक वाइट कलर का, एक ब्लू कलर का, तीनों ही कलर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी इनको भी आप टॉप पे देख सकते हैं, रोडस्टर की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये भी मेड इन इंडिया, ठीक है। तो आप इसको भी अपने साइज के अकॉर्डिंग या साइज चार्ट पे देख आप इसको खरीद सकते हो। 95% भी इसमें कॉटन यूज़ करा गया, 95%। तो इसका फैब्रिक, इसका कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। और जो लास्ट चीज़ रही सिल्क कॉम्बो में, वो है रोडस्टर की परफ्यूम, नो गैस परफ्यूम, और ये परफ्यूम भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जाती है आपको रोडस्टर की बॉडी परफ्यूम, नो गैस बॉडी परफ्यूम बाय द सी, और ये भी काफ़ी बढ़िया परफ्यूम साबित हो सकती है अगर आपको बजट में मिल जाए, और अगर आप कॉम्बो में मिल रही है ऑफ पे तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है रोडस्टर की सी ग्रीन बॉडी परफ्यूम जो कि 150 ml है। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जैसे कि मैंने पहले बताया नो गैस परफ्यूम है रोडस्टर की, आप ले सकते हैं ये भी। और आपको ये सब चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा ऑफ पे मिलती रहती हैं, इसका प्राइस सबका वैरी करते रहता है, कभी ऊपर या कभी नीचे, और सब कुछ आप कॉम्बो भी लेते हैं और सेल में लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे मिल सकता है सब कुछ। तो आप कभी भी प्राइस चेक कर सकते हैं, या तो आप सेल का वेट कर सकते हैं, ऐसे भी इनका प्राइस काफ़ी बजट फ्रेंडली रहता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।